यहां शहर में नकाबपोश बेखौफ बदमाशों ने आज एक बार फिर कानून व्यवस्था को धता बताते हुए शहर के बीचों बीच सरेरा चाकूबाजी की वारदात को अंजाम दिया है। बदमाशों ने पैदल जा रहे दो युवकों को रोककर उनके साथ न सिर्फ लात घूसों और बेल्ट से मारपीट की बल्कि उनके ऊपर चाकू से भी हमला कर एक युवक को गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना के बाद अस्पताल पहुंचे घायल के परिजनों ने जमकर हंगामा कर दिया, जिस दौरान पहुंचे पुलिस ने आक्रोशित लोगों को समझाइश देकर शांत करवाया है। तो वहीं एसपी नवनीत भसीन भी अस्पताल पहुंचे हैं और घटना के संबंध में जानकारी जुटाई है। आपको बता दें कि चाकूबाजी की यह घटना शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के स्थित महाराजा होटल के पास की है। वहीं इस घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक धोबिया टंकी निवासी मनीष राजा नाम के अपने दोस्त के साथ पैदल जा रहा था, तभी तीन बाइक में आए करीब आधा दर्जन नकाबपोश बदमाशों ने उन्हें घेर कर न सिर्फ उनके साथ मारपीट शुरू कर दी बल्कि मनीष के पेट में चाकू घोंप कर उसे घायल कर दिया। वहीं घटना के बाद घायल को तत्काल संजय गांधी अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां गंभीर हालत में उसका इलाज चल रहा है। पुलिस के द्वारा इस मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। दिनांक 14/3/22 के शाम 7:45 बजे की बात है। आकाश बक्सी और मनीष हरिजन ये दोनों करहिया मंडी से मोटरसाइकिल से आ रहे थे और जैसे ही जान टावर के पास पहुंचे इस वहां पर जो है पीछे से तीन मोटरसाइकिल मुँह मादे आ रहे थे, जिन्होंने आकाश बक्सी को मारना शुरू कर दिया बेल्ट से। इतने में बीच बचाव करने फिर मनीष साथ में दोस्त उसका मनीष हरिजन जो धोबिया टंकी के रहने वाला था वो बीच बचाव करने आया तो उसको एक ने तीनों बदमाश में से एक ने चाकू मार दिया जो कमर के पास पेट के पास लगे जहाँ खून बहने लगा। खून बहते देख कर तीनों बदमाश मोटरसाइकिल लेकर भाग गए। अभी मुकदमा कायम किया गया 3-7 का थाना सिविल लाइन पर और बेचना जारी है और मुलजिमों की पता तलाश चल रही है और इसमें फुटेज और सीसीटीवी कैमरे भी देखे जा रहे हैं। अभी पहचान में आए नहीं अभी अज्ञात में है आरोपी, इनकी पता तलाश जारी है।